हेलो दोस्तों, पसंद मैं तो यूनिकेट हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी जो पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो रहा है उसको लेके काफी कुछ डिस्कस हो रहा है। पेटीएम का भी ट्वीट में भी काफी सारा फ्रेंड ट्वीट किए हैं, तो उसका भी कुछ रिप्लाई है, तो डिटेल्स में बात करेंगे। ये अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है, तो आगे किस किस का अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। अगर आपका पेटीएम अकाउंट है, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो आप कैसे बच सकते हैं ब्लॉक होने से। वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत जरूरी वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो, क्योंकि अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाला है, नहीं तो आपको पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो देखिए, काफी सारा फ्रेंड का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, काफी सारा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहा है, और मेरे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में काफी सारा कॉमेंट किए हैं फ्रेंड लोग। तो मुझे पता है उन लोगों को कितना ज्यादा परेशान होंगे वो, क्योंकि किसका जो भी पेमेंट है वो फंस गया है, किसका अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक ही नहीं हो रहा है। तो काफी सारा रीजन से ब्लॉक हुआ है। जैसे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनको अकाउंट को रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कि आपको कोई आपके ट्रांजेक्शन पे रिपोर्ट कर दिया है कि ये रॉन्ग ट्रांजेक्शन है, या कोई फ्रॉड के चक्कर में आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो ये जो चीज ज्यादा किसके साथ हुआ है, जो गेमिंग वाले, जैसे कि आप कोई मोबाइल पे गेम खेलते हैं और वहां से आप अपना पेटीएम से एड मनी करते हैं और पेटीएम से ऑर्डर लेते हैं, तो इस केसेस में 90% लोगों का, गेमिंग लोगों का, जो भी गेम में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। 90% अकाउंट उस तरह का ब्लॉक हुआ है। और जो 10% अकाउंट है, कुछ अकाउंट को वहां पे ट्रांजेक्शन को लेके रिपोर्ट किया गया है, एक केस है। दूसरा, कोई पैन को लेके या कोई वेरिफिकेशन लेके ऐसा कुछ हुआ है, मगर जो पैन वेरिफिकेशन ऐसा कुछ ब्लॉक हुआ है ना, वो इजीली अनब्लॉक हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो अगर रिपोर्ट किया गया है या फ्रॉड ट्रांजेक्शन के चलते जो भी ब्लॉक हुआ है, तो आपको क्लियरेंस मांगे, एनओसी मांग रहा है, जैसे कि आप अपना पुलिस स्टेशन से लिखवा के लीजिए, या आप अपना पेटीएम साइबर सेल में आप पुलिस से मेल कराइए एनओसी के लिए, फिर जाकर आपका अकाउंट अनब्लॉक हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पेटीएम साफ कर चुका है कि पेटीएम का जो सर्विस था 197 पेटीएम गेटवे का सर्विस था 197 का, उनके साथ कुछ पेटीएम का चक्कर चल रहा है अभी, तो इसलिए अभी 197 पेटीएम को सर्विस देना बंद कर रहा है। तो यानी पेटीएम गेटवे तो अभी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो काफी सारा फ्रेंड जो भी पेटीएम में ऑर्डर करते हैं, उनका ऑर्डर अभी नहीं लगेगा। तो पेटीएम साफ किया है, 197 के चल के काफी सारा अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, काफी सारा वॉलेट को डीएक्टिव किया जा रहा है, मगर अभी वो जल्दी कुछ सोल्यूशन लाएंगे, फिर से अकाउंट को अनब्लॉक किया जाएगा, मगर कब किया जाएगा इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। तो इसलिए अभी हम लोग को क्या करना है, जो भी फ्रेंड लोग का अभी पेटीएम अकाउंट ब्लॉक है, वो तो बार बार ट्वीट करिए पेटीएम को कि भाई हमसे ऐसा कोई फ्रॉड किए नहीं, फिर क्यों हमारा अकाउंट ब्लॉक किया गया है, तो कुछ हो सकता है। और जिसका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है, पेटीएम पेमेंट अकाउंट है, तो आप कोई भी गेम में ना पेमेंट वहां से एड मनी करिए, ना विड्रॉ करिए पेटीएम पेमेंट बैंक से, पेटीएम वॉलेट से, जैसा बिल्कुल भी मत करिए अभी कुछ दिन के लिए। अगर जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं, आप अपना यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो उसका सबसे बढ़िया है आप अपना अमेजन वॉलेट का यूज कर सकते हैं। अमेजन वॉलेट भी अभी यूज हो रहे हैं, तो आप अमेजन वॉलेट का भी यूज कर सकते हैं, तो या फ्री रिचार्ज का वॉलेट यूज कर सकते हैं, मोबीक्यू का वॉलेट यूज कर सकते हैं, कुछ भी वॉलेट यूज कर सकते हैं, मगर अभी पेटीएम वॉलेट को या पेटीएम पेमेंट बैंक को इस ट्रांजेक्शन के लिए यूज ना करें, जैसे गेम से एड मनी करना और विड्रॉ मनी करना। तो अगर आप यहां से ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपका ही ब्लॉक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ब्लॉक से बचने के लिए आपको अभी यही रूल अपनाना है। तो कुछ दिन ठहरते हैं और ज्यादा ट्वीट करो, जो भी फ्रेंड लोग का ब्लॉक हुआ ज्यादा ट्वीट करो, हो सकता है कुछ सोल्यूशन निकल आए। और जिसको भी कोई सोल्यूशन मिलता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मुझे टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दीजिए, या इंस्टाग्राम पे भी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हर कोई फ्रेंड को जानकारी मिले और वो भी जो उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो सके। तो इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी से बनाया था, क्योंकि जब भी पेटीएम खुला सके 197 के साथ उनका कोई चक्कर चल रहा है, अभी 197 पेमेंट गेटवे का फीचर जो भी सर्विस नहीं देगा, तो इसलिए पेमेंट या और भी कुछ पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। तो इसलिए अभी आप कुछ भी ट्रांजेक्शन मत करिए, अभी ट्रांजेक्शन को रोक लीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन है अपना यूपीआई से या अपना कोई बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करिए, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई ट्रांजेक्शन ना करें। तो ये जानकारी था कुछ, तो अगर और कोई फ्रेंड को और कुछ ज्यादा जानकारी है, ज्यादा जानता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, जिससे हर कोई फ्रेंड को जानकारी मिले। तो मिलते हैं और कुछ नया जानकारी के साथ, अगर और कुछ नया अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।